कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के सराफा व्यापारी अर्चित जैन का 2 करोड़ रुपए मूल्य का सोना उसके ही कर्मचारी ने अपने साथियों की मदद से लूट लिया। 1.5 साल में पुलिस ने इतना भर जरूर किया कि आईओ बदलते रहे और एक एक दो दो सोने के बिस्किट बरामद कर विभाग की वाहवाही लूटते रहे। पहले ही दिन जिस कर्मचारी ऋतिक को अर्चित जैन ने पुलिस के हवाले किया था वह कुछ ही देर बाद ग्रामीणों के दबाव में छोड़ दिया गया, वह भी तब जबकि आरोप है कि उसने घटना कबूल कर ली थी। इसके विरोध में आज बड़ी संख्या में सराफा कारोबारियों ने SSP से मुलाकात कर सोना बरामद करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाकर विभाग में सनसनी मचा दी कि आईओ सतीश कुमार ने गिरफ्तार विनीत से आधा किलो सोना व 10 लाख रुपए हड़प लिए थे। यह माल सराफ को दिया जाना था। अर्चित जैन ने SSP को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि बदमाशों और पुलिस ने उसका सोना हड़प लिया है। दरअसल 6 मई 2023 को अर्चित जैन का कर्मचारी ऋतिक निवासी नगला पातू SR एंटरप्राइजेस दिल्ली से उनका 2 किलो सोना मेरठ ला रहा था। रास्ते में गुड्डूफ युधिष्ठर हस्तनापुर जॉनी ग्राम थनतला और विनीत निवासी ग्राम भडौरी किठौर संग मिलकर यह सोना लूट लिया गया। ऋतिक से टीपी नगर थाना पुलिस की पूछताछ में उसने इस घटना को कबूल किया, लेकिन तभी उसके गांव के कुछ लोग वहां पहुंच कर उसे छुड़ा कर ले गए। आरोप है कि अर्चित के इस लूट की घटना को धारा 406 में दर्ज किया गया। तब विवेचक दरोगा सतीश कुमार थे, उनकी जगह आए संजय द्विवेदी ने 9 मई को ऋतिक को गिरफ्तार कर 80 ग्राम सोना बरामद कर लिया। इसके बाद विवेचक आते रहे और मामूली बरामदगी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते रहे। SSP से मुलाकात के बाद बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने यह जानकारी मीडिया को दी। उनका एजेंट था, वो ला रहा था और वो लेके बीच में से ही हार्डकोर क्रिमिनल्स को उसने सौंप दिया और लेकर वो लोग गायब हो गए। आज तक पुलिस उसमें गोली देती रही। जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी का कहना है वो अपराधियों के साथ मिल गए और उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे कोई सेटिंग और गेटिंग का मामला कर लिया, बड़ी सेटिंग गेटिंग का मामला कर लिया। 1.5 किलो सोना जिसका मूल्य लगभग 2 किलो सोना जिसका मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वह आज तक हमारे व्यापारी को 1.5 साल हो गया मिल नहीं पाया। ऐसे ही बड़े बड़े मामले हैं इसमें हमारे जो अभी तक अनावरण नहीं हो पाए या जिनमें सही चार्जशीट नहीं लगी या सही माल की बरामदगी नहीं हुई। अपराधी पकड़े गए तो माल की पूरी बरामदगी नहीं हुई। ये सारे किस्सों के लिए आज हम SSP साहब से मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसमें पूरी कार्यवाही करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है हमारे सामने, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति, अब तो राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए पश्चिम बंगाल के लिए, हम भी उसी बात को कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इस समय पश्चिम बंगाल में खराब है। हमारा 4.5 करोड़ रुपये का मूल्य का सोना यहाँ सर पश्चिम बंगाल के लोग लेकर भाग गए हैं। वह सोना आज तक भी रिकवर नहीं हो पाया। यहाँ से पुलिस जाती है, खाना पूर्ति कर वापस आ जाती है, हमारा सोना हमें वापस नहीं मिल रहा है। हमें कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल पुलिस का ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़े तो सेना और सेना नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हमारा सोना हमें तक मिलना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है। सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल से हमारा सोना वापस आना चाहिए, हमारे कारोबार में का हिस्सा बनना चाहिए जो हमारे कारोबार का हिस्सा था। कप्तान साहब ने कहा है कि मैं इस पर एक्शन लूंगा, देखूंगा। हमने कहा है कि इसके लिए विशेष फोर्स लगाएं। हमने ये भी कहा है कि हमारे सर्राफों के जितने भी केस है वो एक डेस्क पर सॉल्व होने चाहिए, हमें जगह जगह थानों में नहीं भटकना चाहिए। ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। शस्त्र लाइसेंस की भी बात हुई है, बहुत सारे विषय आज कप्तान साहब ने हमारे सुने और हमें आश्वासन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।